हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेरे गाड़ी की वाइपर खराब हो गई है और आप लोगों को पता है कि बारिश के मौसम में बिना वाइपर के काम नहीं चल सकता है। टैगोर गार्डन में सुप्रीत भैया की एक प्यारी सी दुकान है, वहां पे जाके मैंने अपने गाड़ी का वाइपर चेंज कराया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गाड़ी का जो वाइपर है आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं, बहुत आसान प्रोसेस होता है चेंज करने का। और सुप्रीत भैया ने इस वीडियो में बताया है कि गाड़ी का जो वाइपर है क्यों जल्दी खराब हो जाता है, और अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आपकी गाड़ी की वाइपर की जो लाइफ है वो और बढ़ जाएगी। दोस्तों, सुप्रीत भैया का जो मोबाइल नंबर है यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा और उनके दुकान का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप लोग उनकी दुकान पर एक बार जरूर विजिट करें और गाड़ी से रिलेटेड कोई भी काम हो तो एक बार जरूर करा के देखें। मुझे लगता है आप लोगों को जरूर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि मुझे वाइपर चेंज कराने का टोटल कॉस्ट क्या पड़ा, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, अगर आप किसी तरह की इन्फॉर्मेशन या अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो अभी हमारे साथ है सुप्रीत भैया, और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मेरे गाड़ी का जो मारुति की गाड़ी है डेल्टा मॉडल, उसमें मेरे गाड़ी का वाइपर खराब हो चुका है, बिल्कुल यूज़ में लाने लायक नहीं है। तो भैया मुझे सजेस्ट करेंगे कि मुझे कौन सा वाइपर अभी लगाना पड़ेगा और कौन सा चीप एंड बेस्ट होगा। सर, ये अपना टैप कंपनी का है, ये आपको फुल सीजन की गारंटी देता है। Okay. फुल सीजन में जितनी भी बारिश वगैरह हो जाएंगी चलेगा, हम इसको वन सीजन की गारंटी में देते हैं। आपका लगेगा, एक आपका छोटा लगेगा 18 इंच का, दूसरा आपका बड़ा लगेगा 21 इंच का, पेयर इसका ऐसे ही मिलता है। अच्छा अच्छा, और ये क्या प्राइस का आएगा? ये सर आपको पेयर पड़ेगा 300 का। हाँ जी। और इससे कुछ और क्वालिटी है क्या, और मतलब क्वालिटी कुछ नहीं होती, बेसिकली नाम के दम पे लोग कंफ्यूज कर देते हैं, पर ऐसा कोई सीन नहीं है, वन सीजन वारंटी के साथ ही आते हैं। अच्छा, क्योंकि बेसिकली रबड़ में कोई कंपनी या कुछ नहीं आती। अभी ये देखो, अब इसके ऊपर सिर्फ एक रबड़ है, इसमें ऐसा कोई कंपनी वाला सीन नहीं है। हाँ, एक चाइनीज वैरायटी जरूर आती है, बस उसमें पूरी बॉडी प्लास्टिक होती है, ये आपकी स्टील बॉडी है। Okay. जो आपकी बेसिकली आपको कंपनी फिटेड भी आते हैं। Hmm. तो ये वही चीज है, उसी चीज में काम करेगी, तो इसमें और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक सीजन। अच्छा सुप्रीत भैया, व्यूअर्स को आप ये बताओ कि ये वाइपर क्यों खराब हो जाता है, मतलब बेसिकली रीजन क्या होता है कि खराब हो जाता है? बेसिकली इसके खराब होने का रीजन ये होता है बैड सरफेस, जैसे आपके शीशे वगैरह में बहुत डस्ट रहती है अगर गाड़ी की खड़ी है कुछ, तो लोग क्या करते हैं गाड़ी में बैठते गाड़ी को शीशे को साफ करने के लिए ना पानी चला के एकदम से चला देते हैं। हुँ. तब उसमें होता है क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कुछ हैवी डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ना ये कट जाती है रबड़। तो हम सबको ना यही सजेस्ट करते हैं कि आपका जो वाइपर वाटर है ना उसके अंदर आप थोड़ा सा शैम्पू डालो। Okay. उससे क्या है कि जब पानी आएगा ना थोड़ी सॉफ्टनेस थोड़ी स्मूथनेस आ जाएगी। Okay, okay. तो इसके ऊपर असर कम होगा और आपका शीशा भी स्मूथ रहेगा, उस पर स्क्रैचेस कम आएंगे। Okay, तो डस्ट वाले शीशे पे अगर आप वाइपर चलाते भी हो तो स्क्रैच कर देगा। अच्छा, शीशा भी ठीक रहेगा और वाइपर भी ठीक रहेगा। ओके, तो अभी फिलहाल ये 300 का है, और कुछ इंस्टॉलेशन चार्ज भी है? नहीं, लेबर चार्ज? इसमें कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं, मतलब 300 में। हाँ, 300 में आपको लगा के। अच्छा, और जैसे कि कोई हुंडई की गाड़ी लेके आते हैं जैसे i10 i20 वगैरह में, उसमें किस रेंज का वाइपर आता है? सबकी अलग रेंज होती है, साइज पे मैटर करता है, जैसे आपका 21 और 18 है। ओके, बड़ी गाड़ी होती है तो उसमें उस पर 24 इंच तक चला जाता है, और छोटा वाइपर 18 है तो उसमें 17-16, तो रेंज उस हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं, किसी के 250 में पेयर है, किसी के 300 में पेयर है। अच्छा, ऐसी रेंज ऊपर नीचे पे। एक बार फिर से बताना। ठीक है, खुल गया, ये इसे डाला, अंदर से लॉक कर दिया। ठीक है, दूसरे वाले में लगाओ। फोटो आ रही है मेरी? अच्छा ही लेना है। हाँ, आ रही है। फिट करने वाले तो फोटो आने वाले नहीं, कई लोग बोलते हैं कि मेरी फोटो मत डालो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लग गई, मतलब लगाना खोलना बहुत आसान है। एक बार फिर से खोल के फिर से लगाइए। ठीक है, इसको खोला। ठीक है, अब डालो। ऐसे डाला इसको। लग गया।